अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आपने पहली बार कोई अप्रिशिएट कर रहा है इस चीज को, या हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें बहुत खुशी हुई आप आए, हमें बहुत खुशी हुई आप आए। तो सर मैं बोल रही हूँ, आप लोग तो हमारे लिए सच में ईश्वर है। उस दिन के लिए, उस दिन के बाद से हमारे लिए बहुत बड़े विषय हो गए। उस दिन के बाद से विचार बदल गए हमारे विचार में सभी। सच में इन सब की वजह से जो टीम लीडर होता है, अच्छा काम करती है सभी लोग। सर जो टीम लीडर है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। अच्छी टीम बना कर रखी है, बहुत बड़ा विषय रहा हमारे लिए। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा मेरे को सुनकर। टीम मेरी मजबूत है बिल्कुल यहाँ पर। तो वहाँ ये लोग इतनी तत्परता से खड़े रहे और हमारी हिम्मत बने, ये बहुत बड़ा विषय था। और इनमें से सर सबसे बड़ी एक चीज सी है की इतनी क्राउड होने के बाद, इतना हाइपर होने के बाद भी इनमें से किसी के चेहरे पे इतना सा भी सल नहीं था। बिना चीखे बिना चिल्लाए इन लोगों को पीछे हटाना पड़ा। हम चंदेल जी और भैया इन लोगों ने बस। तो हम क्या करते, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। दूसरे लोगों का नुकसान हो जाता है, ये सब हो जाता है। सिर्फ आप मैं बोल रही ना, ईश्वर ने आप लोगों को वास्तव में दूध बना के भेजा था। मैं ईश्वर ऐसे ही नहीं कह रही, आप यकीन माने कि सिर्फ हमारा नुकसान हुआ, आपने किसी का भी इतना सा भी नुकसान नहीं होने दिया। यहाँ तक आग बुझाते हुए भी इन्होंने इतना सा भी किसी का नुकसान नहीं करा। मतलब इतनी तत्परता, किसी का पर्सनल होता व्यक्ति तो ही होता, पर ये लोग अनजान लोगों के लिए इतना कर रहे, ये बहुत बड़ा विषय है। नौकरी तो अपनी अपनी जगह है, कोई जरूरी नहीं था। ये लोग अगर कह सकते थे कि नौकरी है ये करूंगा तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग आगे जाकर आगे जाके जो खड़े होते माइक थी, ये प्रशंसा पत्र भी दे गई यहाँ पे, क्या कहेंगे उसको लेकर? पिछली मार्च को पिछले मार्च महीने में 14 तारीख को लगभग एक ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आग लग गई थी। उस फैक्ट्री के आसपास मकान भी थे, रहवासी भी थे और पीछे गेहूं का खेत था। तो हमारी टीम तत्काल समय पर पहुंच गई इनके फोन करने के 10 मिनट के अंदर। और जिस टाइम से उन्होंने काम किया वहाँ पर फील्ड में आकर, उससे वो प्रसन्न हो गए। आज उस आग को पूरा 1 वर्ष हो गया है लगे को, तो वो इस 1 वर्ष होने के बाद हमसे मिलने के लिए आए थे। और हमें मतलब हमारी टीम की पूरी प्रशंसा की उन्होंने, पूरी प्रशंसा पत्र दे गई। क्या कहेंगे टीम को लेकर आप? टीम तो मुझे बहुत गर्व है इस टीम पे। वैसे भी नगर निगम देवास की जो फायर की टीम, कौन थी मैडम, क्या नाम था उनका जो सारिणी चौहान मैडम थी। वैसे भी नगर निगम देवास की टीम को तो हमारे कलेक्टर महोदय भी तारीफ करते हैं हमेशा कि देवास नगर निगम की फायर विभाग की जो टीम है हमेशा ही वो अच्छा काम करती है। ठीक है, आपका नाम बताओ? जितेंद्र सिंह सूर्य, फायर ऑफिसर नगर निगम देवास। हम पहुँचे हैं फायर ऑफिस में, एक साल पहले आपकी फैक्ट्री में आग लगी थी और आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह? सर मैं इन लोगों का, सभी का, फायर के कर्मचारियों का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ कि आज इन लोगों के कारण हम यहाँ पर जीवित आपके सामने बाइट देते हुए उपस्थित हैं। ये लोग नहीं होते तो हमारा जितना भी प्रीमाइसेस है, धन हानि के अतिरिक्त जन हानि बहुत बड़ी हो जाती। इन लोगों ने हमारे लिए वास्तव में ईश्वर के दूत बन के आए थे उस दिन। और जितनी तत्परता से इन लोगों ने काम करा 14 मार्च के दिन, उतना मेरे लिए तो अद्भुत और अविस्मरणीय रहेगा जीवन में। कितनी बजे आग लगी थी आपके? रात के समय में लगी थी 11 बजे, और ये लोग रात की 2 बजे तक, जब तक आग पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई, हमारे साथ खड़े रहे। इन्होंने न सिर्फ आग बुझाई बल्कि हमको मानसिक सबल भी प्रदान करते रहे। बीच बीच में जितनी बार हम घबराते रहे, ये लोग हिम्मत देते रहे कि आप घबराए नहीं, हम सब ठीक करके ही जाएंगे। और उन्होंने वास्तव में वैसा ही करा। आज 1 साल बाद हम इनके कारण यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। ठीक है, इनका धन्यवाद जितना भी हम करें हमारी ओर से तो कम ही है। ठीक है।